स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह बहुत ही चमत्कारिक मायावी और छायावादी ग्रह है। इसका प्रकोप और प्रभाव पूरे जीवन पे पड़ता है और पूरी दुनिया पे ये छाया रहता है। अगर कोई व्यक्ति अचानक से पूरी दुनिया पे छा जाए, एकदम से प्रसिद्ध हो जाए, अचानक से सफलता प्राप्त हो जाए, कोई पार्टी अचानक से जीत जाए, कोई अभिनेता अचानक से प्रसिद्ध हो जाए और ऑस्कर अवार्ड तक मिल जाए, तो ये सब चीज़ें राहु के क्षेत्र में आती है कि अचानक से आदमी को प्रसिद्ध करना और अचानक से आदमी को ऊंचाइयों से नीचे गिराना, दोनों ही कार्य राहु के क्षेत्र में आते हैं। अगर राहु ख़राब होता है तो उसके भी लक्षण होते हैं कि यानी आप ये देख लीजिए कि उसकी एनर्जी कम हो गई है, तो उसकी एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है और राहु को ठीक करना है। तो बात करेंगे राहु के उपाय और राहु के लक्षण दोनों की। ऐसे आसान उपायों की चर्चा की जाएगी जो आदमी चलते फिरते करेगा और अपने जीवन को सुधार लेगा, संवार लेगा और प्रसिद्ध होना चाहता है, तो उसके लिए भी ये उपाय काम करेंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो राहु हमें कहता है कि सुधर जाओ। राहु ऐसा ग्रह है जो हमको सुधारने के लिए कुछ न कुछ चेतावनी सिग्नल जरूर देता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में रोग आता है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आती है, किडनी से रिलेटेड, डायबिटीज़ से रिलेटेड, तो पहले लक्षण आते हैं फिर वो बीमारी होती है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति भी के भी कुंडली के अंदर राहु ग्रह खराब है, उसकी खराब महादशा आने वाली है या राहु से वो व्यक्ति पीड़ित है, तो क्या होगा? राहु का अर्थ ही है कि अचानक से सफलता देना या अचानक से सब कुछ खत्म कर देना, ये सबसे बड़ा लक्षण है राहु का। कोई भी व्यक्ति अगर सफल हो रहा है तो उसके पीछे राहु का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि राहु चमत्कार करता है जीवन में, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब बात करते हैं लक्षण की। लक्षण ऐसे हैं कि आप आम आदमियों में भी नज़र देखेंगे तो आपको आ जाएगी नज़र। किसी भी व्यक्ति का पैसा बर्बाद हो रहा है, पैसा उसका फल नहीं रहा है, पैसा उसका बर्बाद हो रहा है, कोई उसका पैसा लेके भाग जा रहा है, पैसा उसका फंस जा रहा है, कहीं उधार दिया तो वो वापस नहीं लौटा रहा है, मतलब राहु की एनर्जी और किरणें आप तक पहुंच नहीं पा रही है और आप का राहु कमज़ोर हो रहा है। तो राहु जो कि आकाश में, जो भी हम आकाश में देखते हैं, धुआँ, हवायु, पवन, ये सभी राहु के क्षेत्र में आता है। इसी कारण से आकाश की ऊंचाइयों तक ये लेके चल जाता है व्यक्ति को। जिस प्रकार से हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है तेज़ी से, उसी प्रकार से राहु की एनर्जी है। तो अगर आपका पैसा डूब रहा है, मतलब आपका नेटवर्क खराब हो चुका है, राहु से आप डिसकनेक्ट हो रहे हैं, तो कनेक्ट होइए उपाय करके। उपाय की भी चर्चा की जाएगी। कनेक्ट होइए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब भी आप कीजिए। किसी भी तरह से राहु से जब भी कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो सबसे पहले उसको रुपए पैसे से संबंधित प्रॉब्लम आती है। उसके बाद उस व्यक्ति में एक खास गुण पैदा हो जाता है, खास गुण नहीं, खास अवगुण कहिए उसे आप, कि उस व्यक्ति के अंदर दूसरे लोगों की कमियां देखने का एक बहुत बड़ा एक अवगुण उसमें पैदा होता है। वो किसी भी व्यक्ति की शारीरिक कमियाँ, इसका नाक, कान, गला, हाँ, और इसके बोलचाल का तरीका, इसके उठने बैठने का तरीका, सब में उसको कमियां नज़र आती है। तो इस प्रकार से देखें तो वो किसी भी व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व दोनों का पोस्टमार्टम करता है और उसके बारे में खराबियां ही, उसको किसी भी व्यक्ति का अगर देखना ही होता है तो वो खराबियां ही देखता है। पॉजिटिव चीज़ भी होती है व्यक्ति में, पर वो उसको नज़र नहीं आती है, क्योंकि खराब राहु वाला लक्षण वाला व्यक्ति अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों, जो भी उसके आसपास के 200-400 लोग हैं, सब में उसको कमी नज़र आती है। तो इसका मतलब यह है कि अब वो असफलता की ओर बढ़ना शुरू हो गया है, लोगों से उसका डिसकनेक्शन हो जाएगा, डिसकनेक्ट होएगा और डिसकनेक्शन होने के कारण वो असफलता से कनेक्ट होता हुआ चले जाएगा। तीसरा ये कारण होता है कि इन सभी कारणों की भूमिका होती है थोड़ी 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 मिलके ही 100% राहु को ख़राब करती है। खाते समय अगर खाने में बाल आ जाए, खाने में कंकड़ आ जाए, खाने में कुछ न कुछ इस तरह से लगातार आता रहे, महीने में 2-4 बार आ जाए, 10 बार आ जाए, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में भी राहु ख़राब है और वर्तमान में भी आपको राहु की दशा परेशान कर रही है। परिणाम क्या होगा इसका अल्टीमेट परिणाम ये होगा, अगर आपने उपाय नहीं किया तो
कि आपको शारीरिक कष्ट मिलने की ये चेतावनी है पूर्व, पहले से चेतावनी है। जिस प्रकार से रोग की चेतावनी आती है, कैंसर की चेतावनी आती है, हार्ट फेल की चेतावनी आती है, उसी प्रकार से ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका राहु खराब हो रहा है, खाने में आपके कुछ ना कुछ आ रहा है। एक्सीडेंट का योग बन सकता है, दुर्घटना का योग बन सकता है, चोट लगने का डर बन सकता है, या फिर इन सबसे भी बड़ा बदनामी का डर आपको लग सकता है, या बदनामी आपकी हो सकती है, समाज से आप डिसकनेक्ट हो जाएंगे, एक तरह से ये योग बन रहा है। अगला जो कारण है जिससे हम पहचान सकते हैं कि राहु खराब है, वो है रिश्तों का खराब होना। लव एंड रिलेशनशिप में है तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, वैवाहिक हैं तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, ससुराल वालों से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, यानी कि आपके वाद विवाद चलना शुरू हो जाएंगे। पड़ोसी रहते हैं आपके आसपास, पड़ोसियों से संबंध खराब होंगे, कहासुनी होगी, छोटी छोटी बातों पे, बच्चों की बातों पे आपके लड़ाई झगड़े बड़े रूप धारण कर लेंगे। आपके घर में कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर है तो उसमें खराबी आ जाएगी, वहाँ पैसा आपका खराब होएगा, चप्पल आपकी बार बार टूट जाएगी, चप्पल आपकी खो जाएगी, ये भी राहु के खराब होने की ही पूर्व सूचना है। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, वो ये है कि छत पे जो भी व्यक्ति कबाड़ इकट्ठा करना शुरू कर देता है, एक तरह से ये जान लीजिए सच कहें तो कि वो राहु को आमंत्रित कर रहा है कि आके मुझे बर्बाद करे। कभी भी हमको छत के ऊपर कूड़ा करकट खराब नहीं करना चाहिए, क्यों खराब नहीं मतलब उसको रखना नहीं चाहिए खराब सामानों को, क्योंकि छत हमारे बुध का क्षेत्र है, वहाँ पे राहु आने के कारण व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह से भ्रमित हो जाती है, और बुद्धि भ्रमित होने के कारण उसके निर्णय खराब होते हैं, निर्णय खराब होने से वो धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ता है। तो कभी भी आप छत के ऊपर कबाड़, बिजली का सामान, पुराना खराब हुआ हुआ अपने घर में बिल्कुल न रखें। ऐसा करने से, इन सामानों को रखने से आप अपने बच्चों के कैरियर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे और स्वयं के पैसे का नुकसान भी करेंगे। अपने बच्चों को कैरियर में ऊंचाइयां देना चाहते हैं तो छत पे कबाड़ रखना बिल्कुल बंद कर दें। एक भी सामान न रखें जो आप देख रहे हैं कि साल भर से काम नहीं आ रहा है, तो वो अब आगे भी काम नहीं आएगा। राहु हवा है, आकाश है, धुआं है राहु, इसी कारण से इसका सीधा संबंध आकाश से बनता है। तो आप शाम के वक्त जबकि, क्योंकि राहु धुआं है, थोड़ा काला है, इसी के कारण सूर्य अस्त के बाद, क्योंकि सूर्य से इसकी वैर है, सूर्य को जब भी ये पास में आ जाता है, संग आ जाता है सूर्य के, तो सूर्य को भी ये ग्रहण लगा देता है। तो सूर्य की रोशनी में नहीं, सूरज के ढलने के बाद जब रात की स्याही और स्याही पूरे आकाश में फैलने लग जाती है, उस समय आकाश के नीचे बैठें, वार्तालाप करें, या फिर राहु के मंत्रों का जाप करें। राहु के मंत्रों को मोबाइल में लगा के सुनने से भी आपका राहु शांत होता है, क्योंकि आकाश है, अनंत है, राहु का सर्वत्र शासन है, कहाँ हवा में, इसी के कारण से राहु व्यक्ति को अचानक से आकाश की बुलंदियों पे लेके जाता है। एक महत्वपूर्ण कारण जो मैंने सभी जगह देखा है जिन भी लोगों का राहु खराब होता है उनका, कि उनके बाथरूम गंदे रहते हैं। अगर आपके बाथरूम गंदे रहते हैं, आपका शौचालय गंदा रहता है, तो मान लीजिए आप जानबूझ के राहु को अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं और राहु को बुलावा दे रहे हैं कि आके हमें परेशान करो। तो बाथरूम को अगर हम साफ़ रखें तो राहु अपने आप ही ठीक होएगा। कोई भी व्यक्ति अगर नाखून बढ़ाने लग जाता है और उस, या फिर नाखून बढ़ाता भी नहीं है, तब भी उसके नाखून में खराबी आती है, नाखून टूटने लग जाते हैं, चटकने लग जाते हैं, यानी कि राहु का आपको परेशान करने का टाइम शुरू ही होने वाला है, ये मान लीजिए। तो नाखूनों के लिए आप अपना प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लें और नाखूनों की देखभाल। बिना कारण के किसी व्यक्ति पे आरोप प्रत्यारोप या झूठा इल्ज़ाम लगता है तो मान लीजिए राहु खराब है। राहु के खराब होने के कारण व्यक्ति पर केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, और बहुत ज़्यादा अगर उसने लंबा समय खींच लिया, कोई उपाय भी नहीं किया, तो मान के चलिए उसको कोर्ट केस के अंदर मामला उसके पक्ष में कभी भी नहीं आएगा और आखिरकार में उस व्यक्ति को जेल तक हो सकती है। राहु इस प्रकार से हमारे जीवन में दंगल मचाता है, इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर इतनी परेशानियां पैदा कर देता है कि फिर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता है। किसी भी व्यक्ति का अगर अपने जीवन साथी के साथ आकर्षण ख़त्म हो गया, कोई आकर्षण नहीं है, कोई
तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो मान लीजिए राहु आपका खराब हो चुका है। और दूसरा ये कि कोई भी व्यक्ति विवाहिक है और विवाह के बाद वो दूसरे वैवाहिक व्यक्ति के संग या स्त्री या महिला के संग कनेक्ट हो रहा है, मतलब राहु को वो स्वयं अपने हाथों से खराब कर रहा है, यानी कि रिश्ते आपके खराब होते हुए चले जा रहे हैं। तो राहु का एक ये भी नेगेटिव प्रभाव आपको व्यक्तियों में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे उपायों की जिनको करके हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, बिगड़ी हुई बात को बना सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उपायों की। सबसे पहला उपाय है वो यही है कि आप राहु को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने आप में सुधार करें। अपने आप में कैसे सुधार करेंगे आप, कि आप लोगों की कमियां देखना बंद कर दें, उनकी खूबियां देखें और उनकी तारीफ़ करें। पहला उपाय ये। दूसरा उपाय ये कि अपने घर के बाथरूम को बिल्कुल साफ़ रखें। अगर आपके यहाँ पे कोई नौकर नहीं आता तो स्वयं अपने हाथ से रोज़ बाथरूम को साफ करें और साफ़ रखें, ताकि उसमें कोई बदबू ना आए। अगर बदबू आएगी तो राहु फिर कनेक्ट हो जाएगा और आपको परेशान करेगा। अगला उपाय ये है कि आप अपने नाखूनों को काट के रखें, उससे भी राहु शांत रहता है। शाम को टीवी देखें, टीवी देखेंगे शाम को तो टीवी पे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों पे जो भी चीज़ें हैं वायु से कनेक्ट होकर सिग्नल हमारे पे भेजती है, वो सब राहु है। तो इसीलिए राहु से हमको कोई परेशानी नहीं हो। शाम के वक्त जब रात हो जाए उस समय आप टीवी देखिए, कोई भी न्यूज़ चैनल ज़रूर देखिए। न्यूज़ चैनल में आते हैं वाद विवाद, कुछ ना कुछ चर्चा जो कि राहु का ही विषय है, तो इसे आप देखिए ताकि आपको वाद विवाद दूसरे लोगों से न करना पड़े। टीवी पे हमने वाद विवाद देख लिया, कोई चर्चा देख ली, डिबेट देख ली, तो आपका वाद विवाद आपके पड़ोसियों से, आपके संबंधियों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके जीवन साथी से नहीं होगा। सबसे सटीक उपाय है, इसको आप करें। अगला उपाय यह है कि आप राहु को शांत करने के लिए अपने घर का कबाड़ छत पे से बिल्कुल हटा दें और बिजली के जितने भी ख़राब उपकरण हैं उनको घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि जो भी ख़राब कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ख़राब पड़े हैं, आप उनको न तो बेच रहे हैं न काम में ले रहे हैं, क्योंकि वो ख़राब हो गए, उनको अपने जीवन से भी निकाल दें। राहु अपने आप ही विदा हो जाएगा और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने लग जाएगी। तो गाय की लगातार हरा चारे से सेवा करता रहे वेनसडे को, बुधवार को गाय को हरा चारा डालते हैं तो राहु शांत होएगा। पक्षियों का संबंध सीधा आकाश से है, हवा से है, वायु से है। पक्षियों को जो भी व्यक्ति कैद करके रखता है उनको, हवा को उनसे छीनता है, राहु ऑटोमेटिकली बहुत ही शीघ्रता से ख़राब हो जाता है। इसीलिए पक्षियों को आज़ाद करें, जितना हो सके पक्षियों को पिंजरे से बाहर निकालें, एक दो पक्षी खरीदें और उनको आज़ाद कराएं। राहु ऑटोमेटिकली बहुत ही शीघ्रता से बिना महंगे रत्न धारण करे ठीक हो जाएगा। अगला उपाय है राहु को ठीक करने का, जो कि बहुत ही कारगर है और हमेशा काम करता है। विकलांग व्यक्ति की सेवा करना, कोढ़ी व्यक्ति की सेवा करना, जो भी नीडी व्यक्ति है, विकलांग है, शरीर से परेशान है, उस व्यक्ति की सेवा करने से राहु ठीक होता है। कोढ़ी व्यक्तियों को भोजन दें, जो विकलांग है उनकी सहायता करें, जो मेहनत कश वर्ग है उनको कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें दें। कभी भी दारू को आप सेवन न करें, शराब का सेवन न करें, साथ ही किसी को मुफ्त में शराब का दान भी न करें। दोनों चीज़ों करने से राहु भी शांत होएगा और दूसरे ग्रहों को भी ये शांत नहीं होगा और दूसरे ग्रहों को ख़राब करेगा अगर आपने शराब का दान किया। तो कभी भी शराब का न सेवन करें, न शराब का किसी को दान करें। तो ये उपाय थे, इन्हें करके अपने जीवन में चमत्कार करें। आप देखेंगे अगर जिस चीज़ों के लिए आप तरस रहे थे वो चीज़ें आपको तुरंत ही प्राप्त हो रही है और आपको सफलता मिलती चलती जा रही है। पक्षियों को हरा मूंग डालें, पक्षियों को पिंजरे से आज़ाद करें, बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही आसान है, जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो ये उपाय थे, इन्हें करके अपने जीवन में चमत्कार करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में आयु आरोग्य ऐश्वर्य बढ़ता रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।